Hello everyone. No! The cycle is gonna break. चलो तो आज का जो ब्लॉग है अंजू के जगह मैं हेलो एवरीवन आज संडे है देख रहे इधर संतोष अभी इधर गार्डन का काम कर रहे हैं अचानक से प्लान किया क्योंकि सुबह से मैं देखो मैं रेडी हूँ क्योंकि सुबह ही संतोष ने बोला आज हम लोग बाहर जाएंगे और इसलिए लंच भी मैंने नहीं बनाया लेकिन संतोष रेडी होने के लिए जा रहे थे तब उसका ऑफिस से कॉल आ गया फिर कॉल पे बिजी हो गया लेकिन अभी लंच का टाइम हो गया वो थोड़ा गार्डन का काम कर रहे हैं देखो इधर ये रोज प्लांट इन्हें बहुत बड़ा हो गया था वो डोर के ऊपर आ रहे थे इसलिए वो सब थोड़ा कट कर कर भी क्योंकि कल कलेक्शन डे है कल शायद आज ईस्टर होल्ड है तो कल शायद नहीं होगा ट्यूसडे को ही वो लोग आएगा इतना मैंने कि वो उन्हें हाय भरने रहे हाय एवरीवन अभी जल्दी जाकर रेडी हो जाओ अभी रहता मैंने पहले बोला था हम लोग 1:30 को बोला था ना हम लोग बाहर जाएंगे लेकिन अभी 3:30 हो गया हम लोग लंच नहीं किया मैंने फलूडा बनाया था वो खाकर अभी हम लोग निकल गया हमारे घर में किसी को ऐसा नहीं है प्रॉपर ब्रेकफास्ट चाहिए या लंच चाहिए ऐसा कुछ नहीं है पेट भरना है उतना ही है अभी एक चीज़ दिखाती हूँ ये जो एरिया आप देख रहे हैं इसमें यहाँ पे पहले जो है एक छोटे मकान हुआ करते थे ऐसा हमको बोला गया है ये जो स्टोन रखा है यहाँ पे वर्ल्ड वॉर टू में एक बॉम्ब गिरा था जिससे कि यहाँ के मकान डिस्ट्रॉय हो गए थे तो वो है ये उनके कुछ मेमोरी में बनाए हुए हैं जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 22 जनवरी 1945 2:35 PM में लॉन्ग रेंज रॉकेट जो किंगस्टन के यहाँ पे गिरा था नियर द स्पॉट 8 जनों की मौत हुई थी और 117 लोग इंजर्ड हुए थे जो 33 होम्स वर डिस्ट्रॉयड 33 घर जो यहाँ पर डिस्ट्रॉय हुए थे और 2000 से ज़्यादा मकान के जो है डैमेज हुआ था तो ये एक बहुत उस समय का जो इंसिडेंट है उसको मार्क करते हुए इन्होंने यहाँ पे ये एक छोटा सा एक मॉन्यूमेंट टाइप बनाया हुआ है तो ये हमारे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है आज मौसम बहुत ही मस्त है एकदम सुंदर बहुत धूप निकली हुई है पूरा सनी है शाम को 8 बजे तक आज धूप मिलेगा हमको और ये देख सकते हैं यहाँ पर कैसे मकान होते हैं ओल्ड विक्टोरियन एरा के हाउसेस हैं ये सब अभी हम लोग जा रहे हैं रिचमंड पार्क तो रिचमंड पार्क जाने के लिए हमने सोचा यहाँ इस रोड से जाएंगे खुशी और चुंगसी जो अपना साइकिल में आ रहे हैं और मैं और अंजू पैदल जाएंगे अभी अंजू जो है अपना फ़ोन भूल गई है और इसको उसने चुंगसी को भेजा अपना फ़ोन घर से वापस लाने के लिए तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ वेट कर रहे हैं चुंगसी का एक बार चुप से आएगा तो फिर हम यहाँ से आगे निकलेंगे जैसे आप देख सकते हैं बहुत सारे जने आज जो है रोड काफ़ी बिजी है अच्छा मौसम होते ही जो है काफ़ी बिजी हो जाता है रोड काफ़ी लोग बाहर जाते हैं और यू नो इस धूप का मज़ा क्यों नहीं लेंगे तो यहाँ पे यूके में जो है धूप बहुत ज़्यादा नहीं आती क्लाउडी वेदर रहता है तो जिस दिन धूप हो तो आप फुल इंजॉय करते हो तो देखो वो आ रहा है चुंगसी भी आ रहा है उधर से अंजू का फ़ोन लेके
लोगों को पहले मालूम नहीं था किधर जाना है, ऐसे सोचा रिचमंड पार्क चलते हैं, वॉक करते हैं, लेकिन फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया है रिचमंड पार्क में। रिसबेला प्लांटेशन है, बहुत सुंदर है, अभी कैसा है मालूम नहीं, नॉर्मली वो समर में बहुत अच्छा लगता है, उधर ही जाने का सोचा है। कंचित अमूलपेवड़ा रिचमंड पार्क वैसे बहुत बड़ा एरिया में कवर्ड है, बहुत ही बड़ा पार्क है ये, तो हम लोग अभी किंगस्टन गेट इधर है से आ रहे हैं और हमको जाना है इसाबेला प्लांटेशन, यहाँ पे हम जा रहे हैं। नॉर्मली मैं वॉक करने के लिए उस तरफ जाते हैं, लेकिन हम लोग इस अभी राइट साइड में जा रहे हैं। ബാക്കി കൂടെ പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. So now the cycle is going to break and if she breaks my cycle I'll break her phone. போடா வரது. ஒட்டி போயால். Seriously. நீ சம்டடா. ஓகேந்து crack வரது சவுண்ட் கேட்டு. காய் மாட்ட. இல்ல. Fast side போடா, fast side போ. I want to have a go. Go. I want to have a go. As long as Get down, get down. Don't hold that, hold here. Properly hold it, okay? Ready? आज मेरा एक बहुत बड़ा इच्छा पूरा कर दिया चुंगसी ने। बचपन में ना मैं बहुत चाहती थी साइकिल में बैठा हो, साइकिल चलाना मुझे इतना पसंद नहीं है। मेरे पापा ने बहुत कोशिश किया, मेरा दीदी चलाती है लेकिन मुझे इतना पता नहीं, पसंद नहीं था साइकिल चलाने में, लेकिन साइकिल में बैठना मुझे बहुत पसंद था, किसी और चलाओ मैं बैठो। लेकिन मेरे पापा के पास है ना साइकिल नहीं है, मेरे पापा के पास स्कूटर था और साइकिल का वो मुझे स्कूटर में नहीं आते थे मुझे। फिर मेरे नाना जी के पास साइकिल था, लेकिन नाना जी साइकिल चलाते लेकिन किसी और को बिठा कर चलाने में उनको दिक्कत होती थी, उनका पैर में कुछ प्रॉब्लम था। अभी फाइनली जब से चुंगसी को साइकिल आई, मैं उनको डेली बोलती मुझे भी एक बार बिठा दो। चुंगसी मजाक में बोलते थे मुझे बिठा दिया तो उसका साइकिल टूट जाएगा, लेकिन आज भी आपने सुना होगा वो कैसे बोला है, लेकिन फाइनली उसने चलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हो गया आज मैं। दो दी अभी एक हाफ एन आवर से ज़्यादा हो गया हम लोग वॉक कर, अभी भी दूर है, अच्छा लगता है कितना भी वॉक करो ना पता नहीं चलता है, क्योंकि मौसम भी अच्छा है, ठंड भी नहीं है, गर्मी भी नहीं है, हल्का सा हवा भी आ रहा है, अच्छा लगता है। और देखा जगह देखो भी कितना सुनसान है, लेकिन लोग हैं बीच बीच में दिखते हैं। अभी हम लोग इसाबेला प्लांटेशन के तक पहुंच गया। Bicycle.
अभी इधर फ्लावर्स देख रहे हैं ना, इधर इधर पूरे फ्लावर्स के लिए ये फेमस है। और ये ग्रीन देख रहे हैं ना, ये सब समर के टाइम है ना, पूरा फ्लावर्स दोनों साइड में पूरा, कुछ भी ग्रीनरी नहीं है, पूरा फ्लावर्स से ये भर जाएगा, बहुत सुंदर लगता है उस समय। अभी हल्का हल्का सा आना शुरू किया, कलर बहुत अच्छा है। They wouldn't eat that. Nice, that's fun. Plastic color, is that? Plastic color. Such a beautiful duck pond. This is a duck pond, isn't it? It's plastic color, it's a toy. It's a toy, it's a toy. It's a toy like a toy. The rainbow one. But it's actually not. Duck pond, isn't it? Look at that one's so lonely. Ah, Sandeep. He's so good now. Iska color dekho ekdam. Dekho. Toy jaisa lag raha hai na. Kathar ke baithe hain charo jane. Anju sabse zyada thaki hai. थोड़ा सा बोर हो रही है उसको, ये सब जगह पसंद नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, उसको लगता है क्या बोलते हैं, मुझे वेट लॉस नेचर जगह का बहुत पसंद है, नेचर में जाना, बट मुझे बिल्कुल लगता नहीं कि वो सही है। ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन एक्सपेक्टेशन जब टूट जाता है ना, तब थोड़ा ये होता है। मैंने सोचा बहुत सारा फ्लावर्स होगा, हाँ मेरा ही गलती है, क्योंकि समर में ही होता है बहुत सारा फ्लावर्स। अभी ये सब आना शुरू हो गया, लेकिन जितना सोचा उतना नहीं आया अभी, इसलिए थोड़ा सैड, उदास, बोर नहीं हो रहे। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं हमारा फ्रेंड का, वो लोग अभी उनका घर से निकल आई है। हम लोग अभी एक घंटा हो गया, लोग एक घंटा से ज़्यादा हो गया, हाँ एक छः बजे हो गया। हम लोग 5:15 को हम लोग इसाबेला प्लांटेशन में आया था, अभी 6 बजे हो गया। एक और बहुत ही सुंदर सा पॉन्ड, क्योंकि इतना खूबसूरत है। अभी थोड़ा शाम हो गया है तो देखो धूप चली गई है हल्का सा, बट स्टिल बहुत ही खूबसूरत है। अंजू जो है मेरे फ्रेंड के साथ में अभी उनके कार में चली गई घर, खुशी भी चली गई। और अभी चुंगसी में और उसका फ्रेंड हम लोग पैदल जा रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा रास्ता भी थोड़ा भटक गए, तो अभी यू नो गूगल सैट नैव यूज़ करके वापस जा रहे हैं। सो और अभी हमको दिख रहा है सामने एक हिरण, मैं आपको दिखाता हूँ।
हम लोग पैदल जा रहे हैं और हमको उसका फ़ायदा हो रहा है। आप देख सकते हैं, देखो कितना बढ़िया हिरन का झुंड यहाँ पे जो है, क्या बोलते हैं आप इसको, बारहसिंगा बोलते हैं। तो ब्यूटीफुल, स्टनिंग। तो अभी जो है जो अंजू जो है अभी पहुँच चुकी होगी घर पे, और हम लोग भी अभी आधे घंटे में, पौन घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे। तो आज का जो ब्लॉग है अंजू की जगह मैं यही क्लोज करता हूँ। तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में अंजू के। तब तक के लिए प्लीज़ आप लोग अंजू को सपोर्ट करिए, उसके चैनल को लाइक कीजिए। उसका जो है मोटिवेशन तभी बढ़ेगा जब आप लाइक करेंगे, आप अच्छे कमेंट डालेंगे और सब्सक्राइबर्स उसके बढ़ेंगे। सो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए, उसमें जितना हो सके उसको और लोग जाने, उसमें और लोग जुड़े इस चैनल से, और इस चैनल के थ्रू हम और लोगों को जो है मोटिवेट करें, पॉजिटिविटी स्प्रेड करें। तो इसी के साथ में मैं आज का ये ब्लॉग यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू, बाय बाय।